देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमानों और यादवों को लेकर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि मुसलमान और यादव उनके यहाँ आए तो चाय नाश्ता करके जाएं, लेकिन वे उनका काम नहीं करेंगे क्योंकि इनमें उन्हें लालू प्रसाद यादव और लालटेन नजर आता है। देश भर में ईवीएम पर छिड़ी बहस में सैम पित्रोदा भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि एलन मस्क के एक बयान के कारण भारत में ईवीएम पर बहस लगातार तेज होती जा रही है। तथ्य स्पष्ट है, ये केवल अकेली ईवीएम नहीं है बल्कि वीवीपैट और संबंधित प्रक्रियाओं और लॉजिस्टिक्स से युक्त एक जटिल प्रणाली है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पहले देश के गलियारों से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, इस बार विदेशों से भी हमला किया गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष चुप बैठ गया था, लेकिन एक रिपोर्ट ने शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक और मौका दे दिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदुरप्पा आज सीआईडी के समक्ष पेश हुए हैं। दरअसल उन पर एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि नाबालिग की मां ने पॉस्को एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले में येदुरप्पा ने आज पेश होने के लिए कहा था। देश में चलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं और हर बार मिलने वाली किस्त का लाभ भी ले रहे हैं। इसी क्रम में कल का दिन किसानों के लिए बेहद ही खास होने जा रहा है क्योंकि कल खुद पीएम नरेंद्र मोदी 17वीं किस्त जारी करेंगे। एनसीईआरटी ने हाल ही में एक अपनी किताब में बदलाव किए हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने नई किताबों में बाबरी मस्जिद का जिक्र हटाने को अफसोसजनक बताया। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की किताब में बाबरी मस्जिद और गुजरात के चैप्टर को हटा दिया गया। इससे पहले मुगल बादशाहों के इतिहास को भी किताब के पन्नों से हटाया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रायबरेली या वायनाड में से किसी एक सीट की सदस्यता छोड़नी होगी। राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे, किसे अपने पास रखेंगे, इसे लेकर फैसले के लिए उनके पास अब एक दिन का वक्त बचा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली, केरल की वायनाड दो लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं, तो वहीं चुनाव नतीजे आए 14 दिन बीत चुके हैं। नियमों के अनुसार दो सीट से निर्वाचित सांसद को 14 दिन के भीतर कोई एक सीट छोड़नी होती है। ईवीएम पर पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं, इससे पहले भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लगातार बहस होती रही है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है जिसको लेकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष राजीव करंदीकर ने ईवीएम को लेकर विस्तार से बात की है और बताया कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। गौतम गंभीर ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद गंभीर ने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें हालिया चुनावों में मिली सफलता के लिए बधाई दी। गृह मंत्री के रूप में उनका नेतृत्व हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता को और मजबूत करेगा। पेपर लीक मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर सॉल्वर तक की धांधली होना, परीक्षा कराने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क की हेराफेरी होना, मन चाहे सेंटर मिलना, एक ही सेंटर से कई कैंडिडेट का सिलेक्शन होना और 100% आना केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, इन सबसे बढ़कर ये एक मानसिक त्रासदी है जिससे न केवल परीक्षा देने वाले युवा बल्कि उनके माता पिता भी ग्रसित हो रहे हैं।